एक क्रूर शासक की कहानी जिसके द्वेष से, जिसकी बदले की भावना की वजह से एक यूनिवर्सिटी का विनाश हो गया, भारत की कोस का विनाश हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की। वह नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व का प्रथम रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे, न कि भारतीय, पूरे विश्व से विद्यार्थी आते थे और वह यहाँ पे अध्ययन करते थे। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, दक्षिणी कोरिया, ग्रीक, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आते थे और यहाँ पे अध्ययन करते थे। बहुत सारे अध्यापक 64 तरह के सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाते थे, उन्हें ज्ञान था इस बात का। और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि विद्यार्थियों को चिकित्सा शास्त्र, शल्य चिकित्सा, कला, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ऑल टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती थी उस विश्वविद्यालय के अंदर। तो कहानी तब होती है जब खिलजी वंश स्टार्ट हो रहा था, मतलब ये यूनिवर्सिटी 4वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक रही, और उसी समय 12वीं सदी के अंदर हिंदुस्तान पर खिलजी वंश का शासन हुआ। खिलजी वंश के जो शासक था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसलिए जलाई नालंदा यूनिवर्सिटी, एक बार क्या हुआ, बख्तियार खिलजी बीमार हो गए और बीमार होने की वजह से उसके जो हकीम थे जो तुर्किस्तान से आए थे, तुर्किस्तान से जो आए थे वो उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे और वो दिन प्रतिदिन बीमार होता जा रहा था। तो किसी ने उसे एडवाइस दी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो चिकित्सक हैं वो बहुत ज्ञानी हैं और उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त ज्ञान है चिकित्सा का, परंतु खिलजी इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि वह भारतीय आयुर्वेद में बिलीव नहीं करता था, भारतीय दवाई नहीं लेना चाहता था। परंतु उसने बुलाया, वहाँ से यूनिवर्सिटी से एक चिकित्सक है, उनका नाम था आचार्य राहुल देव आए और उन्होंने राहुल देव के सामने एक शर्त रखी कि मैं इलाज तो लूँगा परंतु मैं कोई इंडियन दवाई नहीं खाऊँगा, आयुर्वेदिक दवा। ठीक है, राहुल देव कन्फ्यूज हो गए और इलाज नहीं हुआ तो तुम्हारी मृत्यु कर दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। राहुल देव ज़्यादा परेशान हुए, पर ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं थी, उन्होंने जल्दी इसका समाधान निकाला और कुछ दिनों बाद में आए, मतलब 7-8 दिन बाद में, और जो खिलजी था बख्तियार खिलजी उसको एक कुरान की बुक दी और उस कुरान की बुक को कहा कि आप इसे डेली पढ़िए, इसके सारे जो पेज है उसे आपको पढ़ना है। बख्तियार खिलजी बोला कि बुक को पढ़ने से कैसे इलाज हो सकता है, कुरान की बुक को पढ़ने से इलाज कैसे संभव है। वो बोला आप पढ़िए फिर इलाज हो जाएगा। वह धीरे धीरे जैसे जैसे पेजों को पढ़ने लगा, पलटने लगा, वैसे वैसे उसका उपचार होने लगा। बहुत कंफ्यूज हुआ। जी हाँ, आचार्य राहुल ने उन पेजों पर ऐसा आयुर्वेदिक दवाई लगाई थी जिसकी गंध से गंध को सूंघने से खिलजी का इलाज हो गया, उपचार हो चुका था। खिलजी इस बात से प्रसन्न भी हुआ और द्वेष भावना भी उत्पन्न हुई उसके अंदर। वो बोला और सोचा कि मेरे हकीम मेरा इलाज नहीं कर पाए पर भारतीय आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सक मेरा इलाज कर सके, ये कैसे संभव है। इस द्वेष की भावनाओं को लेकर उसने राहुल देव को और बहुत सारे आचार्यों को मार दिया और नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक करने का आदेश दिया, जहाँ पर 9 मंजिला बुकों की लाइब्रेरी थी, 9 मंजिला बुक की लाइब्रेरी थी जिन्हें जलने पर नेक्स्ट 6 मंथ तक, 6 महीने तक आग भभकती रही, जिस आग को बुझाना संभव नहीं था। बहुत ज़बरदस्त कोस था, भारतीय कोस, जिसे उसने राख कर दिया अपने द्वेष भावना की वजह से। आज भी मोहम्मद खिलजी की मजार पर बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर, और मैं बात नहीं कर रहा जाए ना जाए, पर उसने बहुत बड़ा पाप किया जिसे इतिहास कभी गवाह नहीं देगा।